हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त निकितांक मुखा वर्ता एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जावास्क्रिप्ट को सीखने की सीरीज़ में आज लेक्चर नंबर 11 है, जिसमें आज हम बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं नोट पर प्लस प्लस में। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर डिफाइन किए हैं हमारे प्रिंट टैग में लॉजिकल ऑपरेटर्स को। आउटपुट कुछ इस तरह आपको दिखेगा। तो बेसिकली एंड ऑपरेटर करता क्या है, देखिए अगर आप कंडीशन में आप एंड ऑपरेटर लगा के जितनी भी कंडीशन आप डिफाइन करते हैं, अगर वो सभी की सभी कंडीशन ट्रू होंगी तो ही आपका आंसर ट्रू में मिलेगा, नहीं तो आंसर आपका फॉल्स आएगा। और इसी तरह और में क्या होता है, ट्रू में सारे कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, अगर एक भी फॉल्स होगी तो भी आंसर आपका फॉल्स आ जाएगा। लेकिन और में क्या होता है, अगर एक भी कंडीशन ट्रू है, भले ही 10 में से एक ट्रू हो गई, बाकी सारी फॉल्स है, तो भी आंसर आपका ट्रू ही आएगा। नोट में क्या होता है कि आपका अगर आंसर ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देगा, मतलब ये उलट देता है चीज़ों को। 1 है तो 0, 0 है तो 1, इस तरीके से। तो उसका हम करते हैं प्रैक्टिकल। तो यहाँ पर मैंने दो वेरिएबल डिफाइन किए, यहाँ पर वेर एक्स और वाई नाम से। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल जेड बनाया। तो इसमें जब देखिए, जब आप कंपेयर करते हैं वैल्यूज़ को, अगर आप ऑपरेटर का यूज़ करते तो आपको डबल यहाँ पर राउंड ब्रेसेस को ओपन करना होता है, क्लोज करना। तो इसमें हम वैल्यूज़ को हम डिफाइन करेंगे। तो मैं एक्स को कंपेयर कर रहा हूँ, क्या एक्स बड़ी है 12 से, और मैंने लगाया एंड ऑपरेटर, ठीक है। अब मैं वाई को कंपेयर कर, क्या वाई बड़ी है 23 से, ठीक है। अब देखो, हमने यहाँ पर इसको प्रिंट कराने के लिए हमने लिखा डॉक्यूमेंट, यहाँ पर डॉट राइट, हम डॉक्यूमेंट पर लिख रहे हैं इस तरीके से राइट, और यहाँ पे जेड की वैल्यू पेस्ट कर दी यहाँ पर। अब मैं करता हूँ रिफ्रेश, आंसर आया फॉल्स। देखिए, एक्स की वैल्यू 12 से बड़ी नहीं है, वाई की वैल्यू 23 से बड़ी नहीं है, ठीक है। और आंसर हमारा यहाँ पर दोनों कंडीशन ट्रू हो गई, तो आंसर हमारा ट्रू आ गया। अगर मैं यहाँ पर कंपेयर करता हूँ, क्या एक्स की वैल्यू वाई से बड़ी है, तो बिल्कुल यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गई, बट यहाँ पर वाई वाले की वैल्यू 23 से बड़ी नहीं है, तो ये फॉल्स है। अब यहाँ पर एक कंडीशन ट्रू है और एक फॉल्स है। मैंने क्या बताया, एंड ऑपरेटर में अगर 20 में से 30 में से जितने भी कंडीशन आपने दी है, अगर एक भी फॉल्स है, तो सारे के सारा आपका आउटपुट फॉल्स ही आएगा, इस तरीके से। अगर यहाँ पर मैं ट्रू आंसर चाहता हूँ तो सभी कंडीशन मेरे ट्रू होनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ ट्रू, तो बेसिकली अब क्या हमारा कंडीशन कहती है कि एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी है, बिल्कुल बड़ी है, क्योंकि एक्स में हमने 10 असाइन किया हुआ है। ऐसे ही वाई की वैल्यू 2 से बड़ी है, यस बिल्कुल बड़ी है, क्योंकि वाई में हमने 12 असाइन किया है। तो यहाँ पर सेव करते हैं, रिफ्रेश, आंसर आएगा हमारा ट्रू। तो ये होता है आपका एंड ऑपरेटर। अगर यहाँ पर मैं बात करता हूँ और ऑपरेटर की, तो और ऑपरेटर में क्या होता है कि अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स है, तो आंसर आपका आएगा, अगर आपके सारी फॉल्स हैं, देखो सारी फॉल्स हैं तो आंसर फॉल्स ही आएगा। अगर आपको ट्रू आंसर चाहिए तो एक कंडीशन तो आपको ट्रू करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं, अगर सपोज मैंने यहाँ पर 1, 4, 5 मैंने इतनी बड़ी संख्या यहाँ पर लिख दिया डिजिट, क्या वाई की जो वैल्यू है 12, उससे ये संख्या बड़ी है, नहीं, यहाँ पर मैंने फॉल्स कर दिया कंडीशन। बट यहाँ पर एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी है, ये कंडीशन मेरी ट्रू है, तो यहाँ आंसर आपका ट्रू ही आएगा। तो मैंने और के बारे में क्या होता है कि अगर और में एक भी कंडीशन अगर ट्रू है तो आंसर ट्रू ही आएगा, अगर दोनों फॉल्स है तो आंसर फॉल्स ही आएगा। नेक्स्ट हमारा होता है नॉट ऑपरेटर। तो नॉट ऑपरेटर क्या करता है, नॉट ऑपरेटर आपका यस है तो उसको नो कर देता है, नो है तो उसको यस कर देता है। तो बेसिकली हम कैसे कंपेयर करेंगे, तो हम यहाँ पे पहले वाई को एक्स को कंपेयर करते हैं। तो मैंने एंड ऑपरेटर लगाया और राउंड ब्रेसेस को ओपन क्लोज किया। मैं चेक कर रहा हूँ कि एक्स की वैल्यू क्या बड़ी है 2 से, कंडीशन है बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट कंडीशन है, बट हमारा आंसर आएगा फॉल्स। ये देखिए मैंने क्या किया था, जो ट्रू होगा उसको फॉल्स कर देगा और जो फॉल्स होगा उसको ट्रू कर देगा। क्या आपकी वैल्यू 1, 2, 2 से बड़ी है, नहीं, क्योंकि हमने 10 असाइन किया हुआ है एक्स ने, बट यहाँ पर तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स है, बट आउटपुट हमारा आएगा यहाँ पर ट्रू। ये देखिए आउटपुट आएगा हमारे यहाँ पर ट्रू, इस तरीके से। तो बेसिकली एंड ऑपरेटर करता क्या कि जितने भी कंडीशन आपने दिए सारे के सारे ट्रू होंगी तो ही आपका आंसर ट्रू आएगा। और में क्या होता है, अगर आपकी सारी में से एक भी कंडीशन ट्रू है, भले सारी फॉल्स हो, तो आपका आंसर ट्रू ही आएगा। और एंड में और हमारा नोट में क्या होता है कि अगर आंसर सही है तो उसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो उसको आपका ट्रू कर देगा। तो बेसिकली इस तरीके से यूज होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो आने वाले लेक्चरों में हम इनको और अच्छे से समझेंगे, जब हम प्रैक्टिकल अच्छे से करेंगे, तब आपको लूप्स कंडीशन अच्छे समझ में आ जाएगा, तब हम इनका और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो बेसिकली फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में इतना ही। तो आज हम सीख चुके हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो आई होप फ्रेंड्स ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, कोई भी क्वेरी तो कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ करो सब्सक्राइब, बेल आइकन करो प्रेस, ताकि आपसे कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।